हेलो एवरीवन। तो आज हम इंग्लिश बाबा चैनल में सीबीएसई क्लास 10 से जो चैप्टर 8 है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का, जिसका नाम है द हैक ड्राइवर। और हैक ड्राइवर होता है तांगे वाला। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर। और अगर अभी तक आपने इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि इस चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। उसका फायदा आपको ये मिलेगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Why is the lawyer sent to New Million? What does he first think about the place? लॉयर है था, अगर आपने इस स्टोरी को पढ़ा हो, लॉयर है वो जो जो लड़का था, जो यंग वकील था, उसे न्यू मिलियन, ये एक जगह का नाम है, वहां क्यों भेजा जाता है? What does he first think about the place? और वहां पे जाने से पहले ही, उस जगह पे जाने से पहले वो उस जगह के बारे में क्या सोचता है? The lawyer is sent to New Million to serve summon on a man named Oliver Lutkins. जो लॉयर था उसे न्यू मिलियन यानी उस जगह पर इसलिए भेजा जाता है क्योंकि उसे एक समन देना था। समन क्या होता है? कोर्ट कचहरी के जो कानूनी जो कागज होते हैं उन्हें समन बोलते हैं। वो किस इंसान को देना था? ओलिवर लुटकिंस को देना था। ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज बट वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड टू फाइंड द कंप्लीट अपोजिट। मतलब वो ये सोच रहा था, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस जगह पे वो जा रहा होगा वो बहुत सुंदर सी जगह होगी, साफ सुथरी होगी, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ, बहुत ज्यादा निराश हो गया क्योंकि वो जो जगह थी उसकी सोच से बिल्कुल अपोजिट थी, मतलब एकदम गंदी सी, खराब सी थी। क्वेश्चन नंबर टू देखिए। हु बिफ्रेंड्स हिम, वेयर डज ही टेक हिम? जब वो न्यू मिलियन पहुंच जाता है तो उसका वहां पे दोस्त कौन बन जाता है और उसको उसे कहाँ ले जाता है? अ हैक ड्राइवर नेम्ड बिल बिफ्रेंड्स हिम। जो एक तांगे वाला होता है जिसका नाम होता है बिल, वो उसका दोस्त बन जाता है। ही टेक्स हिम टू द फ्रेज गुस्ताफ एंड अदर लोकल बिजनेस इन सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस। और वो उसे ले जाता है फ्रिट्स की शॉप में, गुस्ताफ की शॉप में, और लोकल बिजनेस मतलब इधर उधर किसकी किसकी तलाश में? ओलिवर लुटकिंस की तलाश में वो उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। वॉट डज ही से अबाउट लुटकिंस? और वो लुटकिंस के बारे में, यहाँ पे वो कौन है, वो जो हैक ड्राइवर है जिसका नाम बिल है, वो लुटकिंस के बारे में क्या बताता है किसको? यंग वकील को। ही सेज दैट लुटकिंस नेवर रिपेज हिज लोन्स। वो बताता है कि वो भैया लोगों से पैसा उठाने के बाद, लोगों से पैसा उधार लेने के बाद कभी भी वो लौटाता नहीं है। इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग पोकर एंड इज ऑल्सो गुड एट डिसीविंग पीपल। और उसे शौक है किसका? पोकर खेलने का। पोकर एक तरह का जुआ होता है। एंड इज ऑल्सो गुड एट डिसीविंग पीपल। और वो लोगों को धोखा देने में क्या है? उस्ताद है, मतलब बहुत बहुत अच्छी तरह से लोगों को चकमा देता है। वॉट मोर डज बिल से अबाउट लुटकिंस एंड हिज फैमिली? जो बिल है, जो कि हैक ड्राइवर है, तांगे वाला है, वो लुटकिंस को और क्या बताता है लुटकिंस के बारे में? बिल सेज दैट लुटकिंस मस्ट हैव गॉन टू हिज मदर्स हाउस एंड आल्सो दैट हिज मदर इज 9 फीट टॉल एंड क्वाइट स्केरी। वो एक तो ये बताता है कि जब वो लोग उसकी तलाश कर रहे थे, किसकी? लुटकिंस की। वो बताता है जब वो कहीं नहीं मिल रहा था कि हो सकता है वो अपनी मम्मी के यहाँ चला गया हो। और वो कहता है उसकी मम्मी भी बड़ी डरावनी सी है, एक तो वो 9 फीट लंबी है और बड़ी डरावने वाली है। डज द नरेटर सर्व द समन्स दैट डे? क्या जो नरेटर है यानी जो यंग वकील था, लॉयर था, क्या वो उस दिन समन दे पाता है? आंसर है नो। द नरेटर डज नॉट सर्व द समन्स दैट डे। उस दिन वो समन दे ही नहीं पाता क्योंकि उसे जो लुटकिंस, जिसकी ओलिवर लुटकिंस जिसकी तलाश में वो आया था, वो उसे मिलता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु इज लुटकिंस? लुटकिंस है कौन? लुटकिंस इज नन अदर देन द हैक ड्राइवर बिल। जो लुटकिंस है वो कोई और नहीं है बल्कि वो ही हैक ड्राइवर है जो उसे पागल बना रहा है बिल के नाम से। कहने का मतलब ये है कि जो हैक ड्राइवर जो उसे पूरे के पूरे गांव में घुमा रहा था, किसकी तलाश में? लुटकिंस की तलाश में। वो खुद ही लुटकिंस था और उसका पागल बना रहा था उसे। थिंक अबाउट इट। देखिए। व्हेन द लॉयर रीच न्यू मिलियन डिड बिल नो दैट ही वाज लुकिंग फॉर लुटकिंस? जब लॉयर न्यू मिलियन में पहुंचा तो क्या बिल को यह पता था कि वो लुटकिंस की तलाश कर रहा है? व्हेन डू यू थिंक बिल केम अप विद हिज प्लान फॉर फूलिंग द लॉयर? और आपको कब लगता है कि बिल ने ये वाला प्लान कब बनाया, किसको मूर्ख बनाने वाला? लॉयर का। When the lawyer reached the New Million, Bill did not know that he was looking for Lutkins. जब लॉयर न्यू मिलियन यानी रेलवे स्टेशन पे जब पहुंचा था तो बिल को, जो कि हैक ड्राइवर था एक्चुअली, उसे नहीं पता था कि वो लुटकिंस को ढूंढ रहा है। The narrator had imagined the place to be sweet and simple, but he was disappointed to see a messy place. Narrator को लगा जिस जगह पे वो जा रहा है वो बहुत बढ़िया सुंदर जगह होगी, लेकिन वो इतना निराश हुआ कि देख के यार ये तो बड़ी गंदी सी जगह थी। The only agreeable sight was of a delivery man, Bill, who was about 40 years old, red-faced and cheerful. लेकिन एक चीज उसे वहां की बहुत अच्छी लगी, जो वो एक आदमी से मिलता है जो कि डिलीवरी मैन था, जो कि सामान को इधर से उधर ले जाता है, जिसका नाम था बिल, जो कि लगभग
40 साल का था, उसका लाल सा फेस था और बड़ा चीयरफुल, मतलब बड़ा खुश रहता था। बिल बिकेम फ्रेंडली विद द नरेटर, और जो वो बिल था वो नरेटर के साथ बड़ा फ्रेंडली बन गया, दोस्त बन गया। व्हेन ही केम टू नो दैट द लॉयर वाज लुकिंग फॉर लुटकिंस, और जैसे ही उसे ये पता चला कि जो वकील साहब आए हैं ये लुटकिंस की तलाश कर रहे हैं, ही इमीडिएटली थॉट ऑफ अ प्लान बिफोलिंग हिम एज ही हिमसेल्फ वाज लुटकिंस, और तभी उसने प्लान बना लिया कि भैया चलो आज इसका काट दिया जाए, मतलब पागल बना दिया जाए। ही प्लान टू बी विद हिम ऑल द टाइम सो दैट ही कुड एस्केप फ्रॉम हिम, और उसने इस तरह से प्लान किया उसके साथ कि वो उसी के साथ रहे, उससे पैसा भी कमा ले और उससे बच भी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुटकिंस ओपनली टेक्स द लॉयर ऑल ओवर द विलेज, हाउ इज दैट नो वन लेट्स आउट द सीक्रेट। लुटकिंस पूरी तरह से लॉयर को पूरा गांव घुमा देता है, लेकिन फिर भी मतलब हाउ इज दैट नो वन लेट्स आउट द सीक्रेट, लेकिन कोई भी इंसान उसका सीक्रेट नहीं बताता। कहने का मतलब ये है कि जब वो पूरे गांव में घुमा रहा होता है, भाई जैसे अगर मैं जिस गांव में रहता हूँ तो वहां के जो लोग हैं वो मेरे जानकारी के हैं, वो उसे इशारा कर देता था या कुछ इस तरह से कर देता था कि लोग उसे ये नहीं बताते थे कि भाई साहब जिस आदमी की तलाश में घूम रहे हो वो यही है। हिंट देखिए, नोटिस दैट द हैक ड्राइवर आस्क द लॉयर टू कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड हिम व्हेन दे गो इनटू द फ्रिज। अब यहाँ एक छोटी सी हिंट दी गई है आपको, आपने अगर स्टोरी पढ़ी होगी तो स्टोरी में आपने देखा होगा जब हैक ड्राइवर जो तांगे वाला लॉयर से कहता है कि भाई साहब आप तो रहना पीछे, मैं पहले जाऊंगा फ्रिज की शॉप में ये देखने, हो सकता है आप ये इन फैंसी कपड़ों को देख के भाग जाए अगला आदमी। कैन यू फाइंड आउट अदर सटल वेज इन विच लुटकिंस मैनिपुलेट्स द टूल, ठीक है। अब आंसर देखिए, लुटकिंस ओपनली टेक्स द लॉयर अराउंड द विलेज, पूरे विलेज में घुमाता है टू लुक फॉर द ओलिवर लुटकिंस की तलाश में। ही हाइड्स हिज रियल आइडेंटिटी फ्रॉम द लॉयर, और लॉयर को अपनी रियल आइडेंटिटी छिपाता है लॉयर से और उसे ये नहीं बताता कि भैया मैं ही हूँ लुटकिंस। ही वॉज वेल अवेयर दैट द लॉयर हैड कम टू सर्व समन ऑन हिम, उसे इस वाली बात का पूरा पक्का पता चल गया था कि लॉयर जो आया उसी की तलाश में आया है, उसी को समन देने आया है। एज ही वॉज ए विटनेस इन अ लॉ सूट, क्योंकि वो ही एक लॉ सूट का क्या था, एक गवाह था। मतलब No one disclosed the secret of Lutkins the whole day, as he was clever, smart and frivolous person. किसी दूसरे इंसान ने भी वो जो पूरा उसका जो Lutkins का जो सीक्रेट था वो नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट था, क्लेवर, चालाक था, धोखेबाज था। When they first searched Fritz to search Lutkins, he asked the lawyer to hide behind so that no one recognized him. जैसे ही जब वो फ्रिज की शॉप में जाने होते हैं लुटकिंस की तलाश में, तो वो लॉयर को कहता है कि भाई साहब आप पीछे रहना, पहले मैं जाऊंगा ताकि उसे कोई वहां पे पहचान न ले। मतलब The hack driver tells the lawyer that Lutkins never returned back anyone's money. और वो hack driver जो है Lutkin lawyer को बताता है Lutkins के बारे में कि भाई साहब Lutkins जो है कि किसी का उधार लिया हुआ पैसा कभी लौटाता नहीं है। He tells the lawyer that if the lawyer tries to come in front of Lutkins in fancy dress clothes, then Lutkins will get suspicious of him. और वो लॉयर को बताता है कि भाई साहब आपने ये जो इस तरह के कपड़े पहन रखे, अगर आप इस तरह के कपड़े पहन के उसके सामने आओगे तो वो डर जाएगा और आपके हाथ नहीं आएगा, मतलब उसे शक हो जाएगा। When he meets his mother, he introduces himself as Bill the hack driver. और जब वो खुद की अपनी मम्मी से मिलता है तो अपनी मम्मी के सामने भी वही नाटक करता, कहता मेरा नाम बिल है और मैं लुटकिन की तलाश में आया हूँ। So as to give him hint to his mother not to recognize him. इस तरह से वो अपनी मम्मी को भी हिंट दे देता कि मम्मी इस आदमी के सामने मुझे मेरे रियल नाम से मत पुकारना, मतलब मुझे लुटकिन लुटकिन मत करना, नहीं तो मम्मी मैं पकड़ा जाऊंगा और मेरा खेल हो जाएगा मम्मी खत्म। This shows Bill smartness and the lawyer's innocence. और इस चीज से हमें पता चलता है कि जो लॉयर था कितना ज्यादा स्मार्ट था, कितना ज्यादा चालू था, कितना ज्यादा चंट था। एंड दैट बिल डिड नॉट लेट आउट द सीक्रेट दैट ही हिमसेल्फ वाज लुटकिंस, और बिल ने अपना सीक्रेट बाहर नहीं आने दिया कि भैया वो खुद ही लुटकिंस था। आगे चलता हूं, व्हाई डू यू थिंक लुटकिंस नेबर वर एंग्जियस टू मीट द लॉयर, आपको क्यों लगता है जो लुटकिंस के जो पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी थे वो इतने उतावले क्यों हो रहे थे लॉयर से मिलने के लिए? आंसर देखो, The lawyer had spent the whole day at the New Mullion. यहाँ पे new की spelling गलत है, सही कर देता हूँ मैं। जो lawyer था उसने पूरा दिन अपना कहाँ बिताया था? New Mullion में बताया था, क्योंकि उसका उसने मतलब पागल बनाया था किसने? Hack driver ने, to look for Lutkins. Bill was with him all the time. और उसके साथ पूरे दिन कौन घूमता रहा? Bill. He took the lawyer to all the possible hangouts such as Fritz's bookshop, barber shop, ग्रेस बार्बर शॉप, द पूल रूम एंड टू द लुटकिंस मदर फार्म यार्ड। और जो बिल है, बिल ने उसे पूरी जगह घुमाया, कभी फ्रिज की दुकान पे, कभी गुस्ताफ बार्बर की शॉप पे, कभी ग्रे बार्बर की शॉप पे, कभी पूल रूम में, कभी लुटकिन की मदर के यहाँ ले गया उसके फार्म यार्ड में। एवरीवन एट द विलेज लाफ्ड एट लॉयर्स इनोसेंस, और
देखो आप क्या है, एक गांव का इंसान है उसे तो सब जानते हैं। जब वो उसके साथ घूम रहा था एक लॉयर के साथ, तो गांव वालों को पता चल गया था, सब लोग उस पर हंस रहे थे। किस पे? वकील पे, क्योंकि उसे बेचारे का उसे पागल बनाया जा रहा था। दैट हाउ लुटकिंस वॉज बिफूलिंग हम, और किस तरह से लुटकिन उसका पागल बना रहा था। द नेबर्स ऑफ द लुटकिंस वर एंशियस टू मीट द लॉयर एज दे वर द ओनली वंस हु हैड नॉट सीन हिम। अब जैसे गांव में कुछ बात हो जाए, कुछ वो बात हो जाए, तो गांव में आपको तो पता ही है, गांव के बूढ़े बूढ़े लोग जो चौपाल वगैरह में बैठे रहते हैं ना, जिनका काम होता है कैमरे से सिक्योरिटी वगैरह करना, कौन कहाँ जा रही है कौन कहाँ आ रही है, तो उन लोगों ने बात बताई होगी कि भैया कल तो भाई साहब इसने बहुत बड़ा पागल बनाया है ऐसे ऐसे। तो केवल उसके पड़ोसी रह गए थे, जो जिसने ये वाला सीन नहीं देखा, तो वो कहते भाई साहब हमें मिलवा दो ऐसे इंसान से जिसे आपने पागल बनाया। एक चीज और बता दूं मैं आगे बढ़ने से पहले, देखो क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा होगा कि काफी बड़े हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझ के चलते हो तो क्वेश्चन को आपको बस समझने की जरूरत है, आंसर्स आप बना सकते हो अपनी तरफ से, बट उसके लिए आपको टेंसेस वगैरह आने चाहिए। आगे चलता हूँ। आफ्टर हिज फर्स्ट डेज एक्सपीरियंस विद द हैक ड्राइवर द लॉयर थिंक्स ऑफ रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ। अब जब उसका पहला दिन का एक्सपीरियंस हो जाता है हैक ड्राइवर के साथ, तो लॉयर वापस लौट जाता है अपने रिटर्निंग टू, मतलब वो सोचता है कि मैं न्यू मिलियन में ही सेटल हो जाऊं। डू यू थिंक ही वुड हैव रिकंसिडर्ड दिस आइडिया आफ्टर हिज सेकेंड विजिट? आपको ऐसा लगता है क्या वो अपने सेकेंड विजिट के बाद अपने इस आइडिया को, हुआ क्या जब वो पहली बार लॉयर आया, अब उसे तो पता नहीं है कि उसका पागल उसे पागल बनाया जा रहा है, उसे लगता है भैया यहाँ के लोग कितने बढ़िया, देखना ये हैक ड्राइवर मेरी कितनी हेल्प कर रहा है, तो उसे लगता है कि मैं तो न्यू मिलियन में ही सेटल हो जाऊंगा और यहीं पे अपना लॉ की प्रैक्टिस करूंगा, मतलब वकील। तो अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि डू यू थिंक, क्या आपको लगता है जब उसने दोबारा विजिट किया तो अपने वो इस आइडिया पे रिकंसिडर करेगा, दोबारा सोचेगा? ऑन हिज फर्स्ट विजिट व्हेन द लॉयर मीट्स द हैक ड्राइवर हु वाज विद हिम ऑल द टाइम ही फील्स हाईली थैंकफुल टुवर्ड्स। पहली बार जब लॉयर वहां पे आया, जब उसे बिल मिल जाता है, जो हैक ड्राइवर होता है वो उसके साथ पूरा दिन घूमता है, और राइटर मतलब ऑथर को बड़ा अच्छा लगता है नरेटर को, द लॉयर थॉट दैट द हैक ड्राइवर हैड बीन सो काइंड एंड कंसिडरेबल टूवर्ड्स हिम इवन दो ही वॉज ए स्ट्रेंजर। उसने सोचा कि भाई ये जो, यहां मैं इसे सही कर देता हूँ, THOUGH T, उसने सोचा कि यहाँ का देखो ये जो हैक ड्राइवर कितना बढ़िया इंसान है और मेरी कितनी हेल्प कर रहा है, इवन दो ही वॉज, जबकि वो एक स्ट्रेंजर है। द हैक ड्राइवर हैड ऑल्सो अरेंज द लंच फॉर द लॉयर, और लॉयर को क्या लगता है कि उसने देखो मेरे लिए लंच भी अरेंज किया है। ही वॉज सो टच बाय द हैक ड्राइवर हम्बल नेचर एंड दस डिसाइडेड टू रिटर्न टू न्यू मिलियन, और वो इतना ज्यादा खुश हो गया कि यहाँ के लोग कितनी ज्यादा खातिरदारी करते हैं, तो इसलिए उसने सोचा कि भैया मैं तो न्यू मिलियन में ही लौटूंगा, वहीं पे अपनी लॉ की प्रैक्टिस करूंगा। द लॉयर माइट हैव रिकंसिडर्ड हिज आइडिया ऑफ रिटर्निंग टू न्यू मिलियन आफ्टर हिज सेकंड विजिट एज ही रियलाइज्ड दैट बिल हैड डिसीव्ड हिम एज बिल हिमसेल्फ वाज लुटकिंस। लेकिन अब देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे कि क्या जब वो अगर सेकंड विजिट करेगा तो क्या उसे रिकंसिडर करेगा, तो हम कह रहे हैं यस वो रिकंसिडर करेगा, क्योंकि जब उसे पता चलेगा कि भैया मुझे तो पागल बनाया जा रहा था, तो वो सोचेगा कि मैं जैसा इंसान को ये समझ रहा था कि तो बहुत बढ़िया इंसान है, वही मुझे मेरा पागल खींच रहा था, तो हो सकता है कि यहाँ के लोग भी अच्छे ना हो, वो भी मेरा बाद में ऐसे पागल बना, तो इसलिए हो सकता है कि वो भी रिकंसिडर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द लॉयर वॉज गुलीबल? हाउ कुड ही हैव अवॉइडेड बीइंग टेकन फॉर अ राइड? अब यहाँ एक वर्ड आया गुलीबल, गुलीबल का मतलब होता है ऐसा इंसान जो किसी की भी बातों में आ जाए। हाउ कुड ही हैव अवॉइडेड बींग टेकन फॉर अ राइड, और किस तरह से वो इस चीज से बच सकता था? आंसर देखिए, वी कैन से दैट द लॉयर वॉज अ गलीबल, गलीबल था, हाँ उस किसी भी बातों पर विश्वास कर लेता था। लुटकिंस हैड बिफूल्ड हिम, लुटकिन ने उसका पागल बनाया था। ही प्रिटेंडेड टू बी बिल, क्योंकि उसने क्या दिखाया कि वो बुल है, एंड वॉज विद द लॉयर द होल डे, और वो पूरे दिन लॉयर के साथ था। बिफूलिंग हिम, उसका मजाक उड़ा रहा था, मतलब उसे पागल बना रहा था। ही नेवर डिस्क्लोजेस हिज रियल आइडेंटिटी टू द लॉयर, और उसने पूरे दिन लॉयर को ये नहीं बताया कि भैया मैं ही लुटकिंस हूँ। द लॉयर कुड हैव अवॉइडेड बिल स्ट्रिक्स इफ वी वुड नॉट हैव ट्रस्टेड हिम ब्लाइंडली। लॉयर अगर चाहता, जो वकील था, अगर वो चाहता, अगर उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट ना करता ब्लाइंडली, तो कहीं ना कहीं हो सकता वो उसके बहकावे में ना आता। ही कुड हैव हायर्ड अनदर कार्ट एंड इंक्वायर्ड अबाउट लुटकिंस, और ये भी कर सकता था, वो दूसरा कोई तांगा वो हायर कर लेता और लुटकिंस के बारे में पता करता, बाय गेटिंग डाउन फ्रॉम द काउट हिमसेल्फ, अगर वो उस कार्ड से उतर जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वो पूरे दिन पागल बनता रहा। तो यहीं पे हो जाते हैं द हैक ड्राइवर के क्वेश्चन आंसर खत्म। आई होप यू वुड हैव लाइक दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू, बाय।